सो गाइस, क्या आप लोगों ने देखा है कि 20,000 के अंदर कभी एक ऐसा फोन निकलेगा जिसमें आपको 90 FPS का सपोर्ट विद अच्छा स्टोरेज, अच्छा बैटरी बैकअप, अच्छा चार्जिंग, अच्छा डिस्प्ले, सब कुछ मिलेगा? कभी ऐसा फोन देखा है? कोई नहीं, आज देख लेना। फोन का नाम बताने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। तो कोई नहीं, फोन का नाम है यहाँ पे MI 10T, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिलता है। और हाँ, ये फोन 5G सपोर्ट करता है और इसमें एक 144Hz का स्मूथ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको भाई कोई भी काम करना हो, कोई भी काम इतना स्मूथ चलेगा ना, बटर से भी ज़्यादा स्मूथ इसका डिस्प्ले है, ठीक है। और यहाँ पे भाई बैटरी मिल जाता है आपको 5000mAh का बैटरी, और चार्जिंग 33W का। चार्जिंग में भाई थोड़ा डाउन है पता है, बट यार 33W इनफ होता है एक गेमिंग फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे मिल जाता है इसमें UFS 3.1 का सपोर्ट, जो रीड राइट भाई स्पीड बहुत अच्छा मस्त है इसका रीड राइट स्पीड। और अगर आप लोगों को रीड राइट स्पीड पता नहीं है क्या है, तो आप लोग ये समझ लो कि अगर आप लोग कोई गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हो इसमें, और बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर इसको क्यों लेते हैं पता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग में लैग ही नहीं होता। यहाँ पे UFS 3.1 दिया है, जो आपको रीड राइट मतलब स्पीड इतना अच्छा होगा ना, इतना बटरी स्मूथ डिस्प्ले विथ रीड राइट स्पीड इतना अच्छा है इस फोन में, आप लोगों को रिकॉर्डिंग में कोई भी लैग नहीं मिलेगा, 1% भी लैग नहीं मिलेगा। अगर आप लोग 90 FPS में खेल रहे हो तो 90 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फोन में 90 FPS का ऑप्शन ऑलरेडी है रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे। और यहाँ पे डिस्प्ले इतना अच्छा दिया है, बैटरी इतना अच्छा दिया है, 33W का चार्जिंग भी दिया है यहाँ पे। और क्या चाहिए भाई, 20 रुपये, मतलब 20 रुपये बोल रहा हूँ यार, 20,000 रुपये में और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। तो मैं ये बताने वाला हूँ अभी कि मुझे कैसे मिला ये फ़ोन। तो मुझे यहाँ पे कैसीफाई में मिला था ये 18,000 रुपये में। ये भाई थोड़ा सा पुराना फ़ोन है, इसलिए इसका वैल्यू भाई बहुत कम है, ठीक है। अगर आप लोग कोई सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे आप लोग को 19-18 ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो प्राइस लिया है मतलब ऑफलाइन मार्केट में आपको वैसे ही मिल जाएगा सेकेंड हैंड माल, ठीक है। तो इसमें तो भाई इतना अच्छा फ़ोन दे दिया यहाँ पे। और आप लोग अगर सेकेंड हैंड मार्केट में जाओ तो मतलब इससे भी बढ़िया बढ़िया कुछ फ़ोन मिल सकता है, मुझे पता नहीं वो लोग रखते हैं, बट यार ये फ़ोन भाई फ्लैगशिप किलर फ़ोन है 20,000 रुपये के अंदर। मुझे तो यार 18,000 रुपये में मिल गया, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। आप लोग अपने नियरेस्ट सेकेंड हैंड मार्केट में जाओ, वहाँ पे जाके पूछो कि ऐसा कोई फ़ोन है क्या, वो लोग आपको सजेस्ट कर देंगे वहाँ पे, भाई आप लोग ले लेना भाई, इतना अच्छा फ़ोन है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ले लेना। क्योंकि ये यूट्यूब ई स्पोर्ट्स और ऐसे नॉर्मल गेम प्ले के लिए और नॉर्मल डेली यूसेज के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, इससे अच्छा फ़ोन आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे। मैं जब इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ रहा था ना, तो भाई मैं यार खुद शौक हो गया यहाँ पे कि भाई कैसा फ़ोन बना दिया यार, ऐसा फ़ोन तो मिलेगा ही नहीं। पहले तो मुझे दिखा था भाई कौन से MI के फ़ोन में राइट साइड में कैमरा होता है, मुझे तो यार मैं देख के नहीं पहचान पाया कि भाई ये एक MI फ़ोन है। मैं सोचा कि भाई यहाँ पे रियलमी, वीवो, ओप्पो भाई वैसा एक फ़ोन होगा कुछ, बट यार यहाँ पे पास में कैमरा दे दिया इन्होंने, क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है। और कैमरा का वो जो सर्कल होता है ना ब्लैक वाला, बहुत सारे फ़ोनों में आपको इतना मोटा ब्लैक बार दिखेगा वहाँ पे, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि भाई कैमरा है या फिर कुछ और। तो कोई नहीं, इसमें कैमरा का मतलब वो काला वाला पार्ट इतना छोटा मिलेगा, आप अपना कैमरा में नॉच को चेक करो ठीक से, यहाँ पे बड़ा वाला नॉच मिलेगा आपको, बट यार इस फ़ोन में आपको इतना छोटा नॉच मिलेगा इसके अंदर। आप लोग अगर कोई मूवी देखते हो या फिर कोई भी गेम प्ले करते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, इतना छोटा नॉच है यहाँ पे। और भाई ये बहुत अच्छा फ़ोन है, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, बार बार बोल रहा हूँ, ये फ़ोन भाई आप ले लो, अगर 20,000 रुपये के अंदर ये फ़ोन मिले तो भाई जल्दी पक्का ले लेना, 20,000 रुपये में भी मिले तो भाई पक्का ले लेना ये फ़ोन, क्योंकि ये फ़ोन मतलब ज़्यादा आता नहीं है, और अगर आ भी जाता है गलती से तो भाई वो उसी टाइम में सेल हो जाएगा। तो कोई नहीं भाई, ये वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, बहुत लंबा हो गया शायद वीडियो, तो कोई नहीं, ये फ़ोन आपको दिखाना था 20,000 रुपये के अंदर, अगर आपको लेना है तो लो, वरना सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप लोग ले रहे हो तो भाई मुझे जल्दी से नीचे कमेंट कर देना कि भाई मैंने यहाँ पे MI 10T ले लिया आपका बात सुन के, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई जाडो डिले फिक्स कब आएगा, तो भाई अभी भी काम चल रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, बस एक मंथ के अंदर आपको मिल जाएगा, एक मंथ या फिर एक हफ्ते के अंदर भी मिल सकता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे फ़ोन नहीं मिलते यार, जाडो डिले फ़ोन है नहीं मिलता इतना जल्दी से। अगर फ़ोन मिल जाए तो मैं पक्का फिक्स कर दूंगा, मैं अपने दोस्तों के पास पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जायरो डिले फिक्स वाला, मतलब जायरो डिले का कोई फ़ोन मिल जाए उसका फिक्स कर दूंगा मैं, फिर आपको भी बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।